किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। डीएसपी जगदीप सिंह दुहन ने बताया कि पुलिस द्वारा 11 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि किसानों का चक्का जाम का आह्वान 12 से 3 बजे तक है, इसलिए लोगों से आह्वान किया जाता है कि इस दौरान कम से कम यात्रा करें, ताकि उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसानों से बातचीत भी की जा रही है और जाम का मुख्य केंद्र जिले में घरौंडा टोल प्लाजा रहेगा, परंतु फिर भी जिला पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जिले में पुलिस तैनात की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान शांतिप्रिय ढंग से धरना देते हुए चक्का जाम कर सकते हैं, परंतु अगर किसी ने कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते किसान नेताओं द्वारा 6 फरवरी को पूरे देश में हाईवे जाम करने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन भी चौकस दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर इस चक्का जाम को शांतिप्रिय ढंग से खत्म करने की रणनीति तैयार की जा रही है। जिला करनाल पुलिस किसानों से बात कर रही है ताकि जाम के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। प्रशासन की तरफ से कल का इनको पूरे करनाल में 11 जगह इन्होंने चक्का जाम के प्रोग्राम बनाया है, तो उसको देखते हुए हमने मैक्सिमम फोर्स लगाई है। और मैक्सिमम ये है कि भाई किसी पब्लिक को, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसके अंदर हमने कोई रूट डाइवर्ट भी उसका प्लान बनाया है। और आम जन से, पब्लिक से ये निवेदन भी करते हैं कि भाई 12 से 3 का इनका जाम का वो है, तो उसमें कम से कम ट्रैवल करें। सर, सुरक्षा के मद्देनजर कितनी फोर्स लगाई गई, कहां कहां नाके लगाए जाएंगे? टोटल 11 जगह है जी, 11 से अलग अलग से इनकी ड्यूटी, हमारी जो मैक्सिमम फोर्स लगाई है इसके अंदर, और इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी और हमारे जो डीएसपी हैं और सभी मैक्सिमम ड्यूटी लगाई गई। सर, इमरजेंसी को कैसे देखेंगे? जीटी रोड भी जमा किया जाएगा, जाम किया जाएगा। अभी ये हमारे पास मैसेज है कि भाई ये बस्ताड़ा टोल पे वो करेंगे, तो वहाँ पर हमने मैक्सिमम फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक अलग से डीएसपी वहाँ पर लगाए हैं। लगातार किसानों से बातचीत वगैरह भी चल रही है। इस संबंध में ये भी है कि भी जो आम जो पब्लिक की उनको असुविधा ना हो और उसको मद्देनजर रखते हुए तो बात भी चल रही है। तो सरकार से भी कोई गाइडलाइन आ रही है? अधिकारी चंडीगढ़ जो बैठे हैं उनसे भी लगातार बातचीत वगैरह इसमें जो हमारे पास गाइडलाइन है सारी, उसमें ये है कि भाई कानून तो किसी भी कीमत पे किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। इमरजेंसी लाइन के लिए सर जो बोल रहे हैं, इमरजेंसी लाइन के लिए इस बारे में वो भी बात है कि भाई इमरजेंसी को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा, उसको रास्ता दिया जाएगा। सर, कोई रूट डाइवर्ट का प्लान फिलहाल पुलिस की तरफ से किया गया? तो इसमें 11 अलग प्लान किया हुआ है, जो 11 जगह अलग अलग इन्होंने पॉइंट चिन्हित किए हैं, उसको देखते हुए रूट डाइवर्ट का हमारा अलग से प्लान है। आम पब्लिक से क्या अपील है? आम पब्लिक से अपील है कि जो 12 से 3 का है उसमें कम से कम ट्रैवल करें। आम पब्लिक से अपील है तो कम से कम ट्रैवल, अगर इन केस इमरजेंसी कोई चीज है तब ट्रैवल करें, और उस चीज को हर सुविधा के अनुसार उसको रास्ता भी दिया जाए। सर, किसान भी लगातार यही बात बोल रहे हैं कि हम शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, अगर कोई उत्पाद, अगर कोई इसमें कोई शांतिप्रिय, अगर उनका धरना ठीक है, अगर कोई इस तरह का कानून हाथ मिलेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से देखते हैं सर पूरे आंदोलन का, जो कल चक्का जाम रहने वाला है 3 घंटे, तो पुलिस की पूरी तैयारी है सर? हमारी पूरी इसमें जो चक्का जाम इन्होंने पहले भी ऐलान किया था उसके अनुसार भी हमारी पूरी तैयारी थी, रूट डाइवर्ट था, और कल के बारे में भी हमारा पूरा प्लान है और मैक्सिमम फोर्स लगाई गई है। दूसरे जिलों से भी कुछ चाहिए? नहीं, हर हम अपने जिले से फोर्स लेकर उसमें वो करेंगे। ठीक है जी सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।